नमस्कार। आज आम षष्ठ श्रेणी विज्ञान बहर दशम अध्याय पढ़ा। दशम अध्याय आमर कौन दैर्घ्य एवं दूरतार मापन। आम दैनंदिन जीवन में दैर्घ्य एवं दूरतार मापनर भूमिका गुरुत्वपूर्ण अटे। केमिति एबे तुमने देख दरजी केते मीटर कपड़ा लगे तहार माप न जाणी ड्रेस तैयारीपरना कि कपड़ा व्यवसायी मध्य केते मीटर रो कपड़ा लगे ता न जानवा पर्यंत आमको कपड़ा दे पारना। एवं आम जब गोटे स्थान रु अन्य स्थान को जीवा से ही जगार दूरता न जानवा पर्यंत टैक्सी ड्राइवर कौन कर तार भड़ा निर्णय करना। कौन सी जमी किणा बिका समय आम जदि ताक न मापा तेल आम तार ठीक परिमाण निर्णय कर पारिबा नाही एवं बिना चेन किंबा कड़ी रे आमे ताहा मापी पारिबा नाही। तो एही परि भाबे आमको आम दैनंदिन जीवन रे दैर्घ्य एवं दूरता मापिबार बहुत आवश्यकता पड़िथाय। ताहाले एबा आमे देखिबा दूरता एवं दैर्घ्य कौन। ताहाले दैर्घ्य कौन गोटे वस्तुरु दुई बिंदुर मध्यवर्ती दूरता को दैर्घ्य बोली कहुजे। एबा आमर गोटे वस्तु एठी अछि एवं आ गोटे वस्तु एठी अच्छी ताद दूरता को मध्य दैर्घ्य कहुपर एवं गोटे वस्तु एवं तुम गोटे डस्टर नब डर गोटे बिंदु रो अन्य बिंदु मध्य दूरता को आमर दैर्घ्य बोली कहुए। आउ कौन पृथ्वी पृष्ठ से दुई बिंदु मझीर दूरता को दूरत्व कहुए। उदाहरण आम जमी आम गोटे जगार अगर जगह को जावाक आमर दूरत्व बोली कहुए। और गोटे वस्तुर दुई बिंदुर मझीर दूरता को दैर्घ्य एवं पृथ्वी पृष्ठ से दुई बिंदुर मझीर दूरता को दूरत्व बोली कहुए। तो बुझीपाल आम दैर्घ्य कौन एवं दूरत्व कौन एवं आम मापन कौन से देखा। ताहले मापन कौन गोटे जना थिबा राशि सह अन्य जना थिबा राशि को तुलना करने को मापन बोली कहुए। गोटे राशि सह अन्य एक राशि तुलना करने को आमर मापन बोली कहुए। यही जना थिबा राशि को एकक रूप निया जाए। दुईटी राशि मध्य जो राशिटी आमको जना थाए ताहाको आमर एकक बोली निया जाए थाए। मापनर फलाफल को जो भौतिक राशि प्रकाश कराए तहार दुईट अंश रही थाए। मापनर फलाफल को आम जो राशि प्रकाश कर तार दुईट अंश रही थाए। कौन कौन संख्या एवं एकक। उदाहरण आम जमीक निगला दुई मीटर। दुई मीटर में दुई हूँ आम संख्या एवं मीटर हूँ आमर एकक। आग काल कौन करुले ना जो माप आमर हाथर आंगुठी तापर आमर पाद यह सब द्वारा चाखंड यह सब को व्यवहार कर आमर दैर्घ्य किंबा मापन निर्णय कर जाउथला। किंतु आमने जितकी भी अच्छा समस्त हाथ कौन सामान कि पाद सामान कि प्रत्येक मनुष्यर हाथर दैर्घ्य एवं पाद ये सब भिन्न भिन्न प्रकार रही थाए। तेणु से मैंने जो भी माप नहीं थे एवं आम गोटे जगार जब माप नौ जड़े व्यक्तिर हाथर चाखंड हिसाब से तहार माप जोटा आसब अन्य एक व्यक्तिर चाखंड द्वारा जदि आम मापा तहार दैर्घ्य से रहा। तेणु कौन है परवर्ती काल में गोटे मानक एकक पद्धतिर आवश्यकता पड़ा। चाखंड किंबा पादर साहाज्यरे आम सठिक दैर्घ्य निर्णय करना। तो एवं आम से ही पद्धति विषय पढ़ा आंतर्जातिक एकक पद्धति। आंतर्जातिक एकक पद्धति कौन वैज्ञानिक माने समस्ते मिसिकी एक प्रकार मानक एकक मापन पद्धति ग्रहण करते। पद्धति को आंतर्जातिक एकक पद्धति बोली कहगला। पद्धति रे दैर्घ्यर एकक कौन मीटर। ये आमर आंतर्जातिक एकक पद्धति निया आमर दैर्घ्यर एकक मीटर निया। तुम पाखे समस्त पाखे स्केल थी तो तुम जो स्केल को देखिबो से आमर शहे भाग में विभक्त होने देखिबो एवं प्रत्येक गोटे गोटे सेंटीमीटर अटे। यह दस भाग में विभक्त होता है। प्रत्येक विभाग अंश को मिलीमीटर बोली कहुए। एवं आम कि एकक को मन रखा जमीक गोटे मीटर शहे सेंटीमीटर गोटे सेंटीमीटर दस मिलीमीटर आउ कौन गोटे किलोमीटर हजार मीटर होता है। साधारणतः भावे आम जो दूरता मापी थाउर किलोमीटर आमर हो बृहतर एकक। प्रायतः समस्ते किलोमीटर को बड़ रूपे मानि थांती। तो मन रहिला आमर एकक सब कौन कौन रहिला मीटर किलोमीटर मिलीमीटर सेंटीमीटर यही सब। मापन बेले सतर्कता। सतर्कता कौन कौन स्केल रो आरंभ मुंडरू वस्तुर आरंभ मुंड सहित
ठीक भाव मिसाई रखा आवश्यक। जदि आम ठीक भाव स्केल और वस्तु को मिसाइक न रखा तेल आमको सठिक दैर्घ्य जनापड़ब ना। तेणु सबुब वस्तु सहित स्केल मुंड को ठीक भाव मिसाई रखा आवश्यक। मापिबा बेले चक्षुर अवस्थान रे सतर्कता अवलम्बन करिबा आवश्यक। मापिबा समय रे चक्षुर जो आमर रही थाए सेटा को ठीक भाव रखिबा आवश्यक। दैर्घ्य माप बेले जो बिंदुर माप नब तहार भूलंब बिंदु रे तुम आखि रहिबा उचित। जो बिंदुर आम माप नेबा तहार भूलंब बिंदु रे आमर चक्षुर अवस्थान रहिबा आवश्यक। ताहले आमे कौनसी भी वस्तुर दैर्घ्य मापिबा समय रे एही सबु उपरे ध्यान देबा आवश्यक एवं सतर्कता अवलम्बन करिबा आवश्यक। नहले आमर दैर्घ्य सठिक आसिबो नाही। एबे आमे कौन देखिबा वक्र रेखार दैर्घ्य मापन। तमने एमिती जदि गोटे वक्र रेखा थिबो ताहा उपरे कोन स्केल पके कि दैर्घ्य मापि पारिबो कि मापि पारिबोनी। कारण आमर स्केलटा सरल पूरा गोटे रेखा थाए कि यहाँ कौन वक्र रेखा है कि अच्छी आम जब आप स्केल पकेबा ताहले आमे सठिक दैर्घ्य पाई नहीं। ताहले आपको आमे केमिति मापिबा कौन कर देख प्रथमे गोटे सूता आनिब सूतारे गोटे गंठी पकेब। ताहले गंठी पकेबा परे एही गंठी को चित्रर ख स्थान रख माने वक्र रेखा आमर जेउठ आरंभ होइथिबो सेही स्थान रे जो गंठी पकेथिबा अंशटी को नेकी रखिब। तापर कौन कर सूतार अल्प अंश को तुम हाथ साहरी वक्ररेखा उपरे पकेब। सूता कि नहीं कि वक्ररेखा उपरे पकेब यही शेष को हाथ से धरी अन्य हाथ से सूतार आउ कि अंश को वक्ररेखा उपरे पकेब। यहीपर भाव धीरे 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 तुम्हें दुई हाथ साहर वक्ररेखा उपरे से सूता को पकईकि आग को जीव गलापर कौन हम जैकि तुमने ख बिंदु पहुँच जोटा कि आमर वक्ररेखार शेष बिंदु एवं से कौन करना सूतार जो बिंदु तुम ख बिंदु स्पर्श कर सही आउ गोटे गंठी पकेब सूतारे। तापर वक्ररेखा उपर सूताटी को काढ़ी आनब काढ़ आने स्केल पकाइब तापर जाने से वक्ररेखार प्रत्येक दैर्घ्य पाई सठिक दैर्घ्य आम मानक मिल जापरी भाव आम वक्ररेखा को मापिपर ताल बुझीपारे आम मैंने केमी मापिबा। आज विषयटी आमर ये सर ए विषय आम मैंने कौन कौन पढ़ले दैर्घ्य एवं दूरता विषय पढ़ले एवं प्रत्येक जिनसको आम केमी मापिबा एवं किसी मापन एकक विषय जाणिले। ताल कम कौन यही विषय एम सिक्यू क्वेश्चन आंसर सबको सल्व करवा एलएलएनआर आप रे तुम मानक यही विषय सब क्वेश्चन आंसर मिल सल्व कर एवं बही को मध्य पढ़ किसी भी डाउट रोचे जदि कमेंट सेक्शन में जनइबा।